नमस्ते, मैं निमेश दासगुप्ता मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस ट्रेनर एंड लीडरशिप कंसल्टेंट। आज बात करूंगा कोरोना पीरियड कोविड-19 के वजह से और लॉकडाउन के वजह से जो भारत देश में आर्थिक मंदी आया, लोगों का मानसिक स्थिति में डाउन आया और पूरी तरह से मार्केट इधर से उधर हो गया, इसको कैसे सुधारा जाए। नंबर वन टिप, देखिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का एक बड़ा पैकेज दिया है। एमएसएमई सेक्टर जो है, जो छोटे छोटे व्यापारी है, जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप है, उनको मैं कहूंगा कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप तुरंत निकालो। इसके बाद बैंक में जाए और अगर आपका स्टार्टअप या बिजनेस अभी से है तो वो बैंक में जाकर बोले कि मैं व्यापारी बनना चाहता हूँ, बिजनेस को खड़ा करना चाहता हूँ। अगर बैंक को लगे तो आपको 50 लाख तक, 2 करोड़ तक आपका प्रोजेक्ट जैसा होगा उतना फिनांस बैंक आपको देगा और बिजनेस को आप बढ़िया से सेटअप करिए ताकि लॉकडाउन पीरियड के बाद आपका बिजनेस और तेज चले। नंबर टू, मेंटल डिप्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, मेंटली डिप्रेशन आ चुका है। लोग 3-4 महीने से लगातार कंसिस्टेंसी क्या कर रही है, घर में है। घर में ज्यादा देर तक रुकने के वजह से हस्बैंड के साथ वाइफ का, चिल्ड्रन के साथ पेरेंट्स का, या ग्रैंडफादर ग्रैंडमॉम के साथ पेरेंट्स का एक अनबन डिप्रेशन आ चुका है। इससे क्या हो रहा है, मानसिक तनाव डिप्रेशन बढ़ रहा है। इस मानसिक तनाव और डिप्रेशन का अगर आप खत्म करना चाहते हो तो जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब क्या करना है, तब आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लेना होगा। देखिए, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, आप चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये बड़ी बात नहीं। आपका धर्म चाहे कितना हो, आप स्पिरिचुअल थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा पॉजिटिविटी वीडियो सुनिए, थोड़ा पॉजिटिव बुक पढ़िए। जो लोग पावरफुल है जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, अमित खान, अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इन सारे पावरफुल लोगों को, पावरफुल सिंगर्स को, उनको फॉलो करिए यूट्यूब पे ताकि उनका एनर्जी आप पे वाइब्रेट हो। देखिए, जितना मानसिक डिप्रेशन अभी आ चुका है इसलिए आपको मोटिवेशन बढ़ाना होगा। देखिए, मोटिवेशन एंड डिप्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आपके अंदर डिप्रेशन बड़ा, मोटिवेशन कम, आपके अंदर मोटिवेशन ज्यादा, डिप्रेशन खत्म। तो डिप्रेशन का अगर आप खत्म करना चाहते हो तो मोटिवेशन लो, पॉजिटिव पावरफुल किताबें पढ़ो, पॉजिटिव पावरफुल स्पीकर को सुनो, मोटिवेशन ऑनलाइन इवेंट पे आओ, मोटिवेशन कोर्स करो ताकि आप जो 3-4 महीने तक डिप्रेशन में रहे वो खत्म हो जाए, आपके अंदर फिर से जज्बा, जुनून, एनर्जी पूरी तरह से आ जाए, एंथुसियाज्म आ जाए ताकि फिर से आपका जिंदगी पटरी पर लौट सके। नंबर थ्री, सेट योर गोल। माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन पीरियड के बाद चाहे आप व्यापारी हो, लीडर्स हो, इंडिविजुअल हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आपको एक बड़ा गोल सेट कर देना चाहिए। देखिए, रुके इंसान रुके पानी हमेशा सर जाता है। आपको बोलना पड़ेगा आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप स्टूडेंट होके क्या अचीव करना चाहते हो, बिजनेसमैन होके कितना कमाना चाहते हो, इंडिविजुअल होके जिंदगी को कितना फर्स्ट क्लास बनाना चाहते हो। अगर आपका गोल सेट हो गया, लक्ष्य सेट हो गया, तब जाके आपका अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा और लक्ष्य के प्रति आप डिटर्मिनेशन हो जाएंगे, तब जाके आपके अंदर वो एनर्जी, वो एंथुसियाज्म फिर से वापस लौटेगा, तब आप जिंदगी को फिर से दोबारा रन कर सको। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन के वजह से हम लोगों ने देखा कि पुलिस कितना तत्पर रहे। देखिए, वो लोग जो थे वो सिक्योरिटी दे रहे थे हम लोगों को ताकि वायरस हमें अटैक ना कर सके, इसलिए जिन सारे पुलिसों ने हमारा साथ रखी ताकि लोग और संक्रमण उतना ना फैल सके, उन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव को थैंक यू दे। माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है वो हमारे भलाई के लिए काम कर रही है, इसीलिए लॉकडाउन पीरियड के बाद फिर से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की लॉ, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, उन सारी पुलिसकर्ता, सेना, सीआरपीएफ, सारे लोगों को, मिनिस्टर्स, ब्लॉक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और मीडिया कर्मी को पूरी तरह से कृतज्ञता प्रकाश करिए, उनको सम्मान दे। देखिए, वो लोग शत्रु ही हमारा मित्र है, उसी से उसका व्यवहार मिस्ट या स्विच करें। नेक्स्ट, डॉक्टर्स। माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन पीरियड जाने के बाद सारे जो डॉक्टर्स और नर्स जिन्होंने पसीना बहा के पूरी तरह से कोरोना पीरियड में हमारा समर्थन किया, हमारा सहारा दिया और लोगों का सेवा दी, उनको भी कृतज्ञता दीजिए ताकि वो लोग फिर से जज्बा जुनून उनको मिले और हमारा हेल्दी इंडिया गठन हो। माय डियर फ्रेंड्स, लॉकडाउन की वजह से इन सारे चीजों को आपका करना होगा। जब आप ये चीज करेंगे तब जाके आपके अंदर वो जज्बा जुनून होगा। लास्ट टिप, लीडरशिप। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हो या इंडिविजुअल हो, लॉकडाउन पीरियड के बाद आइए सोसाइटी, देश, इन सारे चीजों पे एक फोकस डालिए। कैसे हमारा शिक्षा व्यवस्था और सुधारे, हमारा हेल्थ सिस्टम और सुधारे, हमारा प्रकृति
नेचर और कैसे बेटा हो, हमारा जो गार्बेज है, पोल्यूशन है, उसको कैसे खत्म किया जाए, हमारे अंदर मानवता ह्यूमिनिटी कैसे और बढ़ाया जाए, हमारे अंदर सचेतनता अवेयरनेस कैसे फैला जाए, हमारे अंदर थोड़ा सा सर्विस लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर कैसे पैदा किया जाए। इसलिए सारे लोगों को मैं अपील करूंगा, आप खुद एक लीडर बनो, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, लीडरशिप क्वालिटी खुद के अंदर आनो, ताकि आप सेल्स में, बिजनेस में, ह्यूमिनिटी में, सोसाइटी और कंट्री की सेवा में खुद को अर्पण कर सको। लास्ट टिप, पॉलिटिकल अवेयरनेस। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा पिछले 4-5 महीने से लॉकडाउन के वजह से सारे लीडर्स का फोकस कोरोना पीरियड में था, कैसे कोरोना को संक्रमण को रोका जाए उस पर फोकस था। मैं अपील करूंगा सारे MLA, MP, सारे पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी और सारे जो म्यूनिसिपलिटी है, सारे जो केंद्र राज्य सरकार गवर्नर प्रेसिडेंट है, उन सारे लोगों को जनता के अवसर में हार्दिक बधाई दूंगा और अपील करूंगा कि हमारे देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे देश में डेवलपमेंट, देश में आर्थिक स्थिति, बिजनेस, व्यापार और एजुकेशन सिस्टम में कैसे और तेजी से, फास्ट तरीके से ग्रो किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हमारा देश फिर से जिंदगी में और वापस लौटे और दुनिया में नाम कमा सके। देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं निवेश दासू का, मेरे YouTube चैनल का भी सब्सक्राइब करिए, मेरा को हिट करिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इसी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करिए और वीडियो को शेयर करके सारे लोगों के अंदर अवेयरनेस को पैदा करिए। मोटिवेटेड इंडिया, फास्ट इंडिया। थैंक यू।